दिन भर में हम शेखजुई रुख करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना में मारे गए चार लोगों के शव जयपुर पहुंचते ही बवाल हो गया। मुरलीपुरा और चौमू थाने के बाहर हजारों लोग नारेबाजी करके प्रदर्शन करने लगे। मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बाजारों को बंद करवाना भी शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के मधुमक्खी पालकों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मधुमक्खी पालकों की मांग है कि उनके शहद का उत्पादन लागत मूल्य के ऊपर खरीदा जाए, वहीं शहद में बढ़ रही मिलावट पर रोक लगाई जाए और इसके लिए मधुमक्खी पालकों ने SIT गठित करने की मांग रखी। मधुमक्खी पालकों का कहना है कि शहद जांच के लिए पुराने परीक्षणों में मिलावट पकड़ में नहीं आ रही, ऐसे में नए मानक लागू किए जाएं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस सरकार में शुरू की गई योजनाओं को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर चढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। अब उनके किए हुए 2 ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मंगलवार यानी आज ट्वीट करते हुए अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी भत्ता रोकने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को PM की गारंटी याद दिलाते हुए इसे वापस शुरू करने की मांग रखी। वहीं दूसरा ट्वीट गहलोत ने सोमवार रात करीब 1 बजे किया और CM भजनलाल शर्मा से जयपुर में बनाए गए गांधी वाटिका म्यूजियम को जल्द शुरू करने की मांग की। इस ट्वीट में उन्होंने आगरा के साथ अनशन करने की चेतावनी भी दे डाली। RSS और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा रिश्तों की सच्चाई पर अब तक केवल चर्चाएं हो रही थी, अब कहीं ना कहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत ने उन चर्चाओं को साफ कर दिया। अब BJP की पैरेंट बॉडी कहे जाने वाली RSS प्रमुख मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। भागवत ने कहा, 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, इससे पहले 10 साल शांत रहा और अब अचानक जो कलह वहां पर उपजी हुई या उपजाई गई उनकी आग में मणिपुर अब तक जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा, प्राथमिकता देकर उस पर विचार करना यहाँ कर्तव्य है। भागवत ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष को दुश्मन कहा जाए, विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। दिल्ली के कई इलाके पेयजल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। इस दौरान बड़ी मात्रा में पानी की चोरी और बर्बादी का मामला सामने आया। उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से बताया गया कि अकेले मुनिक नहर में हरियाणा से पानी का 18% दिल्ली में नहीं आ रहा। इसके अलावा दिल्ली में जल बोर्ड की पाइपलाइन की लीक की वजह से ही करीब 40% पानी बेकार हो रहा है। बता दें सोमवार को राजनिवास में उपराज्यपाल VK सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें ये आंकड़े सामने आए। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर के भाई शेर सिंह ने की उनसे मुलाकात के बाद कहा कि उनकी बहन कुलविंदर कौर ने भावनाओं में बहकर सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। किसान आंदोलन के दौरान दिए गए बयान से वह आहत थी, उसे थप्पड़ मारने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं, अगर कंगना रनौत पर उसी समय कार्रवाई की गई होती तो आज ये नौबत आती ही नहीं। जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह एक तरफ लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए, वहीं उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए अमेरिका में मुहिम शुरू हो गई। अमेरिकी सिख वकील जसप्रीत सिंह ने उपराष्ट्रपति कमल हैरिस से मुलाकात कर भारत की जेल में बंद अमृतपाल सिंह को रिहा कराने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है, आने वाले समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। मैं मेरे पिता रामविलास पासवान से सीखता हूं, उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री की विकसित देश के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से इस विभाग की एक अहम भूमिका देखता हूँ। मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने BJP पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने सरकारी परिवार को सत्ता की वसीयत बांट रहे हैं। कथनी और करनी के इसी पर्व को नरेंद्र मोदी कहते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर ए तैयबा के 3 ओवरग्राउंड सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।